जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर में 28 जनवरी से शुरू हुई सेना भर्ती के बारे में। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर में 28 जनवरी से सेना भर्ती रैली शुरू हो चुकी है और आज सेना भर्ती का दूसरा दिन था। पहले दिन कितने युवाओं ने सेना भर्ती में दौड़ लगाई, कितने युवाओं का ग्रुप बनाया गया और कितने युवा दौड़ में सफल रहे, इन तमाम अपडेट के साथ ही हम बात करने वाले हैं उदयपुर में 8 फरवरी से शुरू होने वाली सेना भर्ती रैली के बारे में। और इसके अलावा आगरा के कीथम में 15 फरवरी से सेना भर्ती शुरू होने वाली है। तो इन तमाम सेना भर्ती रैलियों को लेकर जो भी अपडेट है, जो भी खबरें हैं, वह हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में 28 जनवरी से शुरू हुई सेना भर्ती के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि भर्ती में शामिल होने के लिए पहले दिन 3968 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया था। इनमें से करीब 2600 युवा दौड़ में शामिल होने के लिए पहुंचे और 283 युवा दौड़ में सफल रहे। तो यह था बिहार के मुजफ्फरपुर में पहले दिन का अपडेट, और दूसरे दिन का अपडेट शाम तक आपको मिल जाएगा। और अब बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर में 8 फरवरी से शुरू होने वाली सेना भर्ती के बारे में। जी हाँ साथियों, इस भर्ती को लेकर युवाओं के सामने कुछ समस्या खड़ी हो गई है। तमाम युवाओं के लिए नहीं, लेकिन कुछ युवाओं के लिए बड़ी समस्या कह सकते हैं। दरअसल हुआ यूं कि जब कुछ युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किए थे तो उस समय उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया और वह इसे पूरी तरह से चेक नहीं कर पाए कि उनका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हो पाए। और अब जब उनके एडमिट कार्ड भेजे गए हैं हाल ही में, तो ऐसे युवाओं के पास में एडमिट कार्ड नहीं पहुंचे हैं। अब ऐसे में इन युवाओं को क्या करना होगा, क्या यह युवा सेना भर्ती दौड़ में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? तो देखिए साथियों, आपको बताना चाहेंगे, ऐसे देश भर में जिस भी सेना भर्ती कार्यालय के तहत आने वाले युवा, किसी के भी साथ यदि ऐसा हुआ है कि उनका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ था और वह एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो देखिए दरअसल ऐसा ऐसे केस में ये होता है कि जब यह युवा सेना भर्ती में शामिल होने के लिए जाते हैं तो वहां पर सीओ सर को ये सारी समस्या बताते हैं। और ऐसे युवाओं को सेना भर्ती के अंतिम दिन यानी भर्ती के आखिरी दिन इन युवाओं को दौड़ में शामिल होने का मौका दिया जाता रहा है, और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हमारे सामने भी हुआ है। तो अब इस संबंध में ऐसे युवाओं के सामने समस्या खड़ी हुई है, तो देखिए मैं इन तमाम युवाओं को कहना चाहूंगा कि आप इस बारे में सबसे पहले आप एक कलेक्टर के नाम से एप्लीकेशन दीजिए, ज्ञापन दीजिए, जिसमें आप अपनी समस्या बताइए। उसमें आप अपने सेना भर्ती कार्यालय के नाम से भी एक एप्लीकेशन लिखिए, एक ज्ञापन दीजिए और आप उसमें अपनी समस्या बता दीजिए कि टेक्निकल कारण के चलते या जाने अनजाने में आपसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है और आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया था, या जो भी इस तरह की एरर आपके सामने आया वह आप लिख दीजिए और इसकी एक कॉपी आप डी न्यूज यानी हमें भी भेज दीजिए। जो ज्ञापन, जो एप्लीकेशन आप कलेक्टर या सेना भर्ती कार्यालय में दे रहे हैं, तो इसकी एक कॉपी आप डी न्यूज को भी व्हाट्सअप कर दीजिए, हमें भी आप इसकी एक कॉपी भेज दीजिए। हमें उम्मीद है कि यदि आप युवा इस तरह अपनी एक मांग के लिए आगे आएंगे, इन अधिकारियों को अपनी समस्या बताएंगे, तो आपको सेना भर्ती में शामिल होने का मौका जरूर मिलेगा। इसके अलावा एक दूसरी समस्या आ रही है आगरा के कीथम में। 15 फरवरी से जो सेना भर्ती रैली शुरू होने जा रही है उसको लेकर भी कुछ असमंजस, कुछ गफलत युवाओं के सामने आ रही है। दरअसल हुआ यूं है कि जो सेना भर्ती ने टाइम शेड्यूल जारी किया है उसमें 15 फरवरी से 5 मार्च तक सेना भर्ती रैली होना बताया जा रहा है, जबकि कुछ युवाओं के पास में 8 मार्च तक के एडमिट कार्ड भी पहुंचे हैं। लेकिन अब हकीकत क्या है इसको लेकर तो सेना भर्ती ग्राउंड में पहुंचने के बाद ही हम बता पाएंगे, या सेना के ऑफिसर से कांटेक्ट होने के बाद ही हम इन तमाम समस्याओं के बारे में आपको बता पाएंगे। हो सकता है किसी स्तर पर कोई जानकारी अपडेट नहीं हो पाई हो और जिस कारण युवाओं के सामने यह गफलत की स्थिति पैदा हुई है। अलावा साथियों, IRO दिल्ली में भी सेना भर्ती रैली शुरू होने जा रही है फरवरी में। वहीं हिसार में भी 20 फरवरी से सेना भर्ती शुरू हो रही है। तो ऐसे उन तमाम युवाओं को जो सेना भर्ती में शामिल होने वाले हैं, डी न्यूज की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं हैं, और आप सभी को एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप अपनी तैयारियों में जी जान से जुटे रहें। यह आपके पास में एक सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है सेना की वर्दी पाने का। इसके अलावा साथियों, यदि आपकी कोई समस्या है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें मेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।